बिहार में कोई सहयोग नहीं करता है, बिहार में लोग विरोध करता है। कैसे करके घंटों बैठा हूँ इन कंपनियों के ऑफिस में, दफ्तरों में जाके घंटों। इतने शिक्षित लोग अगर बेरोजगार है तो हमारे लिए और सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ फूल हवा में उड़ जाता है और बांध जो है चूहा कुतर जाता है। अब बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, आधा कष्ट अपने आप खत्म। रवि नारायण सिंह आज भी निर्दलीय है, कल भी निर्दलीय है, परसों भी रहेगा और उसके बाद भी निर्दलीय ही चुनाव। नमस्कार, मैं हूँ आर्यमन और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ फूल हवा में उड़ जाता है और बांध जो है चूहा कुतर जाता है। ऐसे ऐसी जो स्टेटमेंट है आपने बहुत सुने होंगे, बड़े बड़े नेताओं का, चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें। और जो बिहार की जो सबसे मुख्य समस्या है जो हर चुनाव में एक नए दावे के साथ उखड़ती है, रोजगारी, पलायन और भी बहुत कुछ से बात करने के लिए आज मैं बैठा हूँ रवि नारायण सिंह जी के साथ, जिन्होंने आज रोजगार मेला भी यहाँ पे आयोजित किया है। तो आइए बात करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये रोजगार मेला जो है आपने आयोजन जो किया है यहाँ पे, सबसे इसका जो मुख्य कारण क्या है? देखिए, रोजगार मेला का मुख्य कारण बेरोजगारी को खत्म करना जी। बेरोजगारी जब खत्म होगा तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और देखिए, हर 100 बीमारी का ना एक ही इलाज है, वैसे ही 100 कष्ट का एक ही इलाज है आपको बेरोजगारी। आप बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, आधा कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, मुझे कहाँ से, मुझे सपना थोड़ी आता है कि बेरोजगारी है। जो मैं क्षेत्र में घूमने लगा मुझे पता चलने लगा कि हर दूसरा भाई बहन मेरे पास है, बोलो भैया बाकी सब बातें तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन फिलहाल भैया तो आप जीत के आइएगा तब करिएगा, और जब तक जीत के नहीं आते मेरा घर कैसे चलेगा जी। तो मैं कहा बहन भाई आपको क्या चाहिए, तो उनका कहना होता था भैया रोजगार चाहिए। मैं कहता था ठीक है, लेकिन जब ये चीज मैंने हर जगह, हर वार्ड, हर मोहल्ले में जाके देखना शुरू किया कि बेरोजगारी ही मेन मकसद है, तो सोचिए कि आज के डेट में अगर साक्षर दर बिहार का देखे ना तो केरला से कम नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। आज के डेट में हमारे शहर के जो ऐसे किसान जो अपना घर, अपना जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सोचिए साक्षर दर हमारे बिहार में कितना ऊपर होगा। आज जितने भी यहाँ भाई बहन हजारों की संख्या में खड़े हैं, ये सारे शिक्षित ही लोग हैं। और सोचिए इतने शिक्षित लोग अगर बेरोजगार है तो ये हमारे लिए और सरकार के लिए शर्म की बात है। तो सर, जो सरकार की काम जो आप कर रहे हैं, जो सरकार हर चुनाव में वादा करती है 10 लाख रोजगार, 15 लाख रोजगार, वो जो आप काम कर रहे हैं, क्या सरकार इसमें आपको सहयोग कर रही है? बिहार में कोई सहयोग नहीं करता है, बिहार में लोग विरोध करता है। बिहार में ना अगर मान लीजिए आप गिरे हुए हैं ना, तो आपको देखने के लिए 100 लोग आ जाएंगे, पर आप उठाने लगेगा ना तो विरोध करने लगेगा, मत उठाओ, उसका परिवार आएगा तो उसको PMCS लेके जाएगा। तो विरोध यहाँ ज्यादा होता है। यहाँ पे आज भी जो रोजगार मिला है, कितने भाई बंधु हैं जो मैसेज लिख देते हैं, कई बार ग्रुप में लिख देते हैं यार रोजगार नहीं मिलता। आप देखिए, पिछले बार हमने 956 लोगों की ज्वाइनिंग कराई जी, और आज यहाँ 3000 रोजगार लेके बैठे हैं, 1000 का वादा किया है, और लोग यहाँ पे 100 बांटते हैं 10000 लिखते हैं। देखिए, इस रोजगार जो आप बांट रहे हैं इससे आपकी लोकप्रियता तो युवा में बढ़ी है, लेकिन अगर हम विरोधी दल के लोग की बात करें तो कहीं ना कहीं उंगली भी उठा रहे हैं यहाँ पे कि ये सब चीजें कहाँ से ला रहे हैं। ये सारी कंपनीज आ रही हैं दिल्ली बॉम्बे से, सारे लोगों की ज्वाइनिंग एक एक कंपनी के HR बैठ के कर रहा है। जाइए उनसे बात करिए और पूछिए किस अधिकार से कर रहा है, वो आपको बताएंगे। दूसरा, यहाँ जो भी कंपनियां आई हैं वो सब मेरे आग्रह करने पे आई हैं। आप देखिए, आप जाइएगा भावी विधायक बन के जी, तो आपको कोई इज्जत नहीं करे, आपको वहां जाना पड़ेगा ऐसे करके। घंटों बैठा हूँ इन कंपनियों के ऑफिस में, दफ्तरों में जाके घंटों, दिन टाटा मोटर्स में तो 3-3 दिन जाके बैठा हूँ, तब जाके टाटा मोटर्स इंडिया ने यहाँ पे अपना 1500 रोजगार दिया है, और उन्होंने वादा किया है कि अगर यहाँ से कैंडिडेट अच्छे गए तो अगले बार वो 20,000 रोजगार मुझे देंगे टाटा मोटर्स। देखिए, आपने सुना कि ये सब जो व्यवस्था है किस प्रकार विधिवत किया गया है। सबसे एक बड़ी जो समस्या है बिहार की भैया, पलायन, हम इस पे बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे कि अगर आप बनते हैं राजनीति में, आप एंट्री करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पारी का, तो पलायन पे आप क्या काम कीजिएगा? आज यहाँ 500 रोजगार पटना के लिए जी, लेकिन पटना में आज इतनी ही रोजगार बाकी थी। अभी भी मैं बहुत सारी कंपनीज में ना, अपने जो बिहार के भी लोग हैं जो पटना में, उन तक भी पहुंच रहा हूँ, उनको कह भी रहा हूँ कि आप जो दिल्ली बॉम्बे में, बिहार के, अरे बिहारियों ने पूरे देश को बना दिया जी। आज पूरे बिहारियों का ना 30% बिहारियों की फैक्ट्री है 100 में पूरे देश में, लेकिन सूरत, गुजरात, इधर उधर जाके कंपनियां खोले। मेरा मानना है कि वो कंपनियां यहाँ आनी चाहिए। मैं कहता हूँ भैया यहाँ खोलिए ना, कहते हैं रवि कैसे खोलें, यहाँ 200% टैक्स है, ये इसको खिलाना होगा, उसको खिलाना होगा, इसको देना होगा, उसको देना होगा, रंगदारी देना होगा। मैं कहता हूँ भैया हम है ना, बोले बेटा तुम नहीं ना हो, जो बुजुर्ग है पिताजी की उम्र के, वो कहते हैं बेटा तुम नहीं ना हो शासन में, तुम नहीं ना हो MLA, तुम नहीं ना हो MP,
यही सब सुनते सुनते मैं बोला नहीं, अब इसका समस्या का समाधान समाज सेवी बन के नहीं, अब सत्ता में आके होना होगा। तब सत्ता के लिए आज ये अभियान हमने शुरू किया, जन जागृति अभियान, जिसके तहत रवि नारायण सिंह बांकीपुर से चुनाव लड़ रहा है। क्या लगता है बांकीपुर की जनता आपको इसमें सहयोग पूरे मन से करेगी? देखिए, बांकीपुर की जनता के लिए मैं बिना किसी सहयोग की अपेक्षा से और समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अगर समाज जागरूक है और समाज अगर प्रताड़ित है और उसको अगर लगता है कि ये बेटा ये सब भाई उसके लिए अच्छा काम कर रहा है तो जरूर सहयोग करेगी, बाकी जनता मालिक है वो जाए। एक और सवाल था कि जो सत्ता में आप जब अपने पारी खेलिएगा तो क्या निर्दलीय रहिएगा या किसी का? रवि नारायण सिंह आज भी निर्दलीय है, कल भी निर्दलीय है, परसों भी रहेगा और उसके बाद भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा। सत्ता से अगर आना होता ना जी तो टिकट लेके चुनाव से 2 महीने पहले आता। तो रवि नारायण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, बांकीपुर की जनता उसमें क्या उम्मीद जताती है, अब ये निर्णय करेगा चुनाव। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और भैया कुछ कहना चाहते हैं? एक बार देखते रहिए, यहाँ पे जो युवा है या हर वर्ग के लोग हैं, पढ़े अनपढ़ गंवार सभी लोग हैं, यहाँ सबके लिए जो रोजगार मेला लगा हुआ है। और ये भीड़ देखे हैं तादाद में, ये अकेले रवि नारायण सिंह ने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम तब तक स्थगित नहीं होगा जब तक यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति को रोजगार ना मिल जाए, भैया का ऐसा ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।